हेलो दोस्तों, मैं अभी अपग्रेड लर्निंग स्किल्स चैनल से आप सबका वेलकम करता हूँ एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्पार्क लाइन के बारे में सीखने वाले हैं। वो आपको जैसे लास्ट टाइम हमने चार्ट वगैरह सीखा था, 3D चार्ट सीखे थे, तो उसी तरीके से थोड़े और भी आगे के टूल सीखने वाले हैं। और अगर आप लोग अभी न्यू हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें एक्सेल ओपन अपने कर लेते हैं। यहाँ पर एक डेटा मैंने रेडी कर रखा है, तो यहाँ देख सकते हो जो डेटा रेडी कर रखा है। तो यहाँ पर स्पार्क लाइन आज सीखने वाले हैं। 3D हम मैप वगैरह भी सीख चुके थे, अब जो स्पार्क लाइन सीखने वाले हैं इसके अंदर देखेंगे करके। तो सबसे पहले यहाँ पर डेटा का कॉलम रेडी करेंगे, तो यहाँ पर कॉलम पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लोकेशन ले लिया है कि कहाँ पर आपको ये कॉलम दिखाई देंगे, और यहाँ पर हमें डेटा देना है। तो जैसे कि हम ये इस मंथ का जनवरी का डेटा दे देते हैं और ओके करेंगे, तो यहाँ पर ये देखो आपको बना आ गया। अब इसमें सबसे कम ज़्यादा का देखना चाहो, लॉस हाई लो, तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। ये देखो हाई लो, तो हाई लो पे क्लिक करा तो ये देखो मैंने यहाँ पर कर देता हूँ 100, तो यहाँ पर देखो 100 का रेड आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 1000 का किया तो यहाँ पर रेड आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर शुरू में रेड करवाना चाहे तो ये देखो यहाँ पर करना चाहे तो इस तरीके से, यहाँ पर डिजाइन बदलना चाहो तो बदल सकते हो। ये देखो अलग अलग स्टाइलिश अलग अलग ले सकते हो। यहाँ भी हाई पॉइंट कलर, हाई का कलर जैसे कि मैंने यहाँ पर जो डिजाइन लिया है वो लिया है ब्लैक, तो जो ब्लैक लिया है, और जो हाई का जो कलर है वो मुझे नहीं, लो का जो कलर है वो मुझे येल्लो मस्त दिखाना है, तो यहाँ पर येलो में दिखा सकता है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हो यहाँ पर ये दिख रहा है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो ये। तो इस तरीके से अगर सब में ऐसे ही चाहिए तो इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐसे ही कंट्रोल के साथ R बटन दबाएंगे तो ये और ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो अब येल्लो से मैं अपडेट करूँगा लो में, यहाँ पर रेड, तो ये सब में रेड से हो करेगा। तो इस तरीके से अपडेट देख सकते हो। स्पार्क लाइन का यूज़ करेंगे तो इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर लाइंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेटा देंगे, यहाँ पर डेटा सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर डेटा प्रेजेंट कर सकते हो, और इस डॉट पे जाके सेलेक्ट करेंगे सारा डेटा, उसके बाद कंट्रोल डी दबा देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर सब में आ जाएगा एक साथ। अब इसको हम लाइन वगैरह और स्टाइलिश में देना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, और साथ में यहाँ पर जाकर डिजाइन में और इस तरीके से यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं कुछ भी। जैसे कि मुझे लाइनिंग में चेंजिंग करनी है तो यहाँ पर जाके कलर वगैरह कर सकते हो, यहाँ पर जो भी कलर देना है, और लो का मुझे कलर देना है जैसे कि रेड देना है, तो यहाँ पर देखो लो पॉइंट जहाँ जहाँ डाउन हुआ है वहाँ पर रेड आ रहा है। इस तरीके से हम पॉइंट्स यहाँ दिखा सकते हैं, जो भी पॉइंट हाई के दिखाना है, डाउन के दिखाना है, किसके दिखाना है, तो वो दिखा सकते हैं इस तरीके से। इनको अगर लाइन थोड़ी थिक करनी है, थोड़ी मोटी करनी है, तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर हाई के पॉइंट चाहिए तो यहाँ पर हाई पे क्लिक करेंगे, लो पर, फर्स्ट पे क्लिक करना है तो फर्स्ट पे भी देख सकते हैं, इस तरीके से लो पे भी कर सकते हैं। तो आई होप स्पार्क लाइन का समझ में आया हो। ऐसी कॉलम में भी कर सकते हैं, कॉलम का एक लेते हैं हम, सेम जैसे हमने ऊपर कॉलम लगाए थे, कॉलम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेटा सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर यहाँ पर 1000, 2000, 10000 का डेटा है तो सिलेक्ट करने में टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट तरीका है। तो यहाँ पर जाएंगे इस कॉलम में और यहाँ पर जो डॉट दिख रहा है इस पर जाकर डबल क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा, बट नहीं हो रहा फॉर्मूला प्रिंट हो जाता है, तो उस तरीके से हम ड्रैग ही कर लेंगे। तो इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ भी आप हाई और लो का भी दिखा सकते हो, जैसे लो का रेड में दिखाना चाहो, कोई और कलर दिखाना चाहो लो का, जैसे ब्लैक कलर में दिखाना चाहे तो ब्लैक कलर का दिखा सकते हो, जैसे रेड कलर का दिखाना चाहो तो रेड कलर का दिखा सकते हो इस तरीके से। ऐसे ही हम यहाँ पर स्पार्क लाइन इसका भी विन का लॉस का देख सकते हैं, वो कैसे करना है वो भी हमारा तीसरा नंबर पे आता है ये रहा लॉस। यहाँ भी डेटा देना है सेम जनवरी से जुलाई तक का,
और ओके करेंगे और यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। ये डेटा हमारा शो हो गया। इसमें चेंजिंग करना चाहो जैसे हाई और लो का मिडल, देखो यहाँ पर लो दिखा रहा है, हाई भी दिखाएगा। हाई अब अगर हमें हाई का कलर चेंज करना है, हाई का रखना है ग्रीन और लो का रखना है कोई और कलर, येलो कलर रखना है, तो वो दिखा सकते हैं। तो यहाँ से हम कलर से चेक कर सकते हैं अपने डेटा को। तो इस तरीके से देख सकते हैं स्पार्क लाइन को। तो यहाँ पर इंसर्ट के अंदर मैंने स्पार्क लाइन्स मैंने बता दिया। अगले में हम फिल्टरिंग सीखेंगे एडवांस लेवल का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।